फर्स्ट टॉपिक ऑफ मास्टर्स इन साइंस केमिस्ट्री विच इज अ बटलर वॉलमर इक्वेशन ओके सो इन बटलर वॉलमर इक्वेशन वट इज बेसिकली बटलर वॉलमर इक्वेशन इट स्टडीज अबाउट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन काइनेटिक्स मीन्स व्हाट एवर द रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोड्स पे एंड बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट तो उनमें क्या कायनेटिक्स इन्वॉल्व है क्या रेट्स होता है वॉट इज द रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर वॉट इज द रेट ऑफ करेंट उन सारे रेट ऑफ रिएक्शन या कानेटिक्स से स्टडी करता है किससे बटलर वॉलमर इक्वेशन है ठीक है सो बेसिकली वॉट आर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकर्स इन वॉज ऑफ फॉलोइंग स्टेप इन स्टेप्स में इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी सबसे पहले क्या होगा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होंगे वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होंगे किसमें इलेक्ट्रोड्स में डिफ्यूज मतलब उसकी तरफ जाएंगे ठीक एबजॉर्बशन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स है वो उसमें जाके इलेक्ट्रोड में एब्सॉर्ब होंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा किससे या तो इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड की तरफ हो सकता है या इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट की तरफ हो सकता है अब हम लोग कंसिडर करते हैं डेरिवेशन ऑफ बटलर वॉलमर इक्वेशन ठीक है बटलर वॉलमर इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम एक कोई भी जनरल रिएक्शन कंसिडर करेंगे वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो मान लेते हैं कि हम मेटल की रिडक्शन रिएक्शन को कंसिडर करेंगे जिसमें मेटल जहां Mn प्लस है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके मेटल सॉलिड में फॉर्मेशन कराए विच इज अ रिडक्शन रिएक्शन ठीक है नाउ फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो आयरिंग थ्योरी होती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के हिसाब से रेट कॉन्स्टेंट क्या आता है रेट कॉन्स्टेंट इज वॉट के बी टी अपॉन एच ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी ठीक ये जो ओवरऑल ये जो टर्म है पूरा एक कॉन्स्टेंट है तो इसको हम एक ओवरऑल कॉन्स्टेंट ले लेते हैं विच इज बी ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी तो ये आपका रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू आएगी किससे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से इसको सेव करके रख लेते हैं नेक्स्ट अब मान लो इस ग्राफ को कंसिडर करना है ग्राफ में देखो एक तरफ ये आपका क्या है इलेक्ट्रोड का सरफेस इधर पूरा क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक है आउटर हॉल्स प्लेन ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेटल सॉलिड में है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें मेटल आयनिक फॉर्म में और मेटल आयनिक कन्वर्ट होगा किसमें मेटल सॉलिड में ये बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस और ये होगा बाय रिडक्शन प्रोसेस और डेल्टा जी स्टार क्या है एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मेटल सॉलिड टू मेटल आयनिक और मेटल आयनिक टू मेटल सॉलिड अब सिंस जब आप मेटल सॉलिड से मेटल आयनिक में आते हो तो इसमें होता क्या है कि मेटल इज कन्वर्टिंग इन टू मेटल एंड प्लस प्लस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना तो ऑक्सीडेशन में हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो इलेक्ट्रोड होता है एक होता है एनोड एक होता है कैथोड एनोड मीन्स व्हाट जिसमें ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड मीन्स जिसमें रिडक्शन होता है है ना तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मेटल इज कन्वर्टिंग इन टू मेटल आइनिक इस ऑक्सीडेशन मतलब किसमें होगा एनोड में तो इसलिए इधर से इधर जो करंट फ्लो होगा मतलब इस डायरेक्शन में वो वाला कौन सा होगा आपका आई ए विच इज एनोडिक करेंट इसी के जस्ट अपोजिट अगर देखे जहां एन प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू मेटल सॉलिड जो कि क्या है रिडक्शन रिडक्शन किस में होता है कैथोड में इसलिए ये वाला जो करंट होगा जो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा दैट विल बी वॉट कैथोडिक करेंट विच इज आईसी ओके नाउ मूविंग ऑन अगर लेट अस सपोज इसके आगे देर आर टू कॉन्सेंट्रेशन सपोज देर इज वन कॉन्सेंट्रेशन सी अदर इज सी आर सीओ मीन्स वॉट ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन और सीआर मीन्स वॉट रिड्यूज स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन ठीक है जैसे यहाँ पे दो स्पीशीज है एक है एम सॉलिड एंड एक है एम आइनिक तो इसमें रिड्यूस्ड स्पीशीज कौन सा है एम सॉलिड और ऑक्सीडाइज स्पीशीज कौन सा है एम एन प्लस अगर अपने अगर अपने को, को किसका ये कौन सा आपका रिड्यूस्ड स्पीशीज और ये ऑक्सीडाइज स्पीशीज सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट कि कितने रेट से आपका एनोडिक करंट फ्लो कर रहा है मतलब, of of RA, RA मतलब तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनोडिक करंट विच विल बी इक्वल टू वॉट आर ए आर ए मतलब रेट और ए फॉर एनोडिक तो ये किसके बराबर होगा रेट लॉ से कैसे लिखते हैं रेट 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 किस रेट का एक्सप्रेशन इज टू का कांस्टेंट क्योंकि एनोडिक के लिए इसे के ए इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा रेट लॉ में जो अपन कॉन्सेंट्रेशन लिखते किस है? हैं किसका रहता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे एनोडिक जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये वाला रिएक्शन इसमें रिएक्टेंट कौन सा है आपका सॉलिड एम सॉलिड जो कौन सा है रिड्यूस्ड स्पीशीज इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा सी इन टू आर सिमिलरली अगर हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ कैथोडिक करंट निकालना है तो उसका रेट क्या होगा आर सी और ये किसके बराबर होगा इसका जो रेट कौन सा है इज के सी इन टू अगर कैथोडिक मतलब रिडक्शन है तो ये वाली रिएक्शन होगी तो इसमें आपका रिएक्टेंट कौन सा है ये एम एन प्लस जो कि कौन सा है स्पीशीज इसलिए ये हो जाएगा सी जीरो कंसिडर दिस एज एन इक्वेशन नंबर टू नाउ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अब चार्ज के फ्लो का बराबर किसके होता है एफ के विच इज एंड इट इज इक्वल टू ई इंटू एन एन इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स अगर एन की वैल्यू वन मतलब हम मान लेते हैं कि अगर मेटल हम वन मोल ले रहे हैं तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर ई e. मतलब जो फेरडे है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई के बराबर आ जाएगा ठीक नेक्स्ट एक स्टेप रहता है इसमें करंट निकालने का करंट का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम ठीक अगर मैं बोलू एनोडिक करंट तो एनोडिक करंट किसके बराबर होगा इसके चार्ज के फ्लो के बराबर मतलब एफ मल्टीप्लाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ कर एनोडिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनोडिक करंट मतलब ये इसका रेट है आर इंटू ए आर ए मतलब ये एफ और ये आर ए क्या हो जाएगा के ए इंटू सी आर वैसे ही कैथोडिक करंट क्या होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज एफ और इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट दैट इज आरसी तो ये हो जाएगा एफ इंटू के सी इंटू सी जीरो ठीक न ओवरऑल करेंट वॉट इज ओवरऑल करेंट ओवरऑल करेंट होगा आपका एनोडिक एंड माइनस कैथोडिक हमेशा ओवरऑल करेंट क्या होगा आपका एनोडिक माइनस कैथोडिक एनोडिक क्या है ये एक्सप्रेशन पुट कर दो तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू के ए इंटू सी आर माइनस कैथोडिक कौन सा है ये तो एफ इंटू के सी इंटू सी आ गया ये ओवरऑल एक्सप्रेशन नाउ हियर ये जो के ए और के सी है वो क्या है रेट कॉन्स्टेंट्स है रेट कॉन्स्टेंट्स को हम किससे निकाले हैं ये वाला एक्सप्रेशन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से तो इसको हम पुट करेंगे इसमें एनोडिक के लिए अलग उसमें सबस्क्रिप्ट लगा देंगे ए और कैथोडिक के लिए अलग उसमें सबस्क्रिप्ट लगा देंगे सी का जैसे आई आ जाएगा एफ इंटू सी आर के ए की जगह क्या लिख सकते हैं बी ए ई e की पावर वॉट माइनस डेल्टा जी स्टार ए अपॉन आर टी माइनस एफ इंटू सी नॉट के सी की जगह क्या हो जाएगा बी सी और ई e की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार सी अपॉन आर टी ये एक आएगा आपका करंट का एक्सप्रेशन ठीक है ये समझ आया ये ए और ये क्या होगा कैथोडिक ये हो जाएगा आपका एनोडिक के लिए नाउ इस एक्सप्रेशन से देखेंगे अगर एनोडिक करंट मतलब ये आई ये अगर ग्रेटर होगा किससे से आईसी से ये वाली टर्म अगर ग्रेटर है तो ओवरऑल ये जो टर्म आएगी वो ऑब्वियसली क्या आएगी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो अगर ये वाला टर्म मतलब जो कैथोडिक करंट है अगर कैथोडिक करंट ग्रेटर आ गया एनोडिक से तो अगर ये टर्म ज्यादा बड़ी है जिसके सामने माइनस है तो ओवरऑल ये टर्म क्या आएगा आई निगेटिव आएगा निगेटिव मतलब लेस देन जीरो कौन सा करंट हो जाएगा एनोडिक और ये वाला करंट कौन सा हो जाएगा कैथोडिक उसके बाद एक डन का भी फॉर्मूला होता है डन इज वॉट चार्ज इन डिफरेंस इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है इसके वर्कडन का फॉर्मूला नाउ ये जो कंडीशन था वो इक्वलिबियम में था जहां पे बोध एम सोलड इज कन्वर्टिंग रेट मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड वॉज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड दैट वॉज इक्विलीब्रियाम अगर अगर इसी में नॉन इक्विबियम कंडीशन कंसिडर करें नॉन इक्विब्रियम कंडीशन में ग्राफ में हल्का से चेंज आ जाएगा ये कब के लिए इक्वलिबियम कंडीशन के लिए नॉन इक्लेबरियम में क्या है ग्राफ ओरिजिन इधर से ना स्टार्ट होते हुए इधर से स्टार्ट होगा और ये इस तरह से जाएगा ठीक है यहाँ पे इधर में ये वाला क्या है मेटल सॉलिड है और ये आपका मेटल आयनिक ही रहेगा सिमिलरली यहाँ पे ये जो है वो मेटल सॉलिड ही रहेगा और ये वाला क्या रहेगा मेटल आयनिक ठीक डिफरेंस क्या है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन था तो ये आपका फ्री एनर्जी के बराबर है लेकिन जब नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन लोगे तो देखो इसमें जब सॉलिड मेटल सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें आयनिक फॉर्म में तो इसमें कितना एनर्जी लग रहा है ये ये इसके एनर्जी के बराबर हो गया मतलब पहले इसको ज्यादा एनर्जी लग रही थी और अभी इसको कम एनर्जी लग रही है सिमिलरली अगर मैं आयोनिक से कन्वर्ट करूं सॉलिड में तो अब इसको कितनी एनर्जी लग रही है यहां से लेके पूरी यहां तक एनर्जी लगेगी इतनी एनर्जी लगेगी कब जब आयोनिक से कन्वर्ट होगा सॉलिड में तो मतलब अभी रिवर्सल प्रोसेस मतलब कैथोडिक करंट को ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा टू कन्वर्ट फ्रॉम मेटल इन आयनिक स्टेट टू मेटल इन सॉलिड स्टेट लेकिन अगर अपोजिट करेंगे तो कम एनर्जी लगेगा और इसमें ज्यादा मतलब ऑब्वियसली क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड यहां पे बराबर नहीं होगा मतलब हियर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड इक्विलिब्रियम नहीं है ना इसलिए तो यार रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो इक्वल नहीं होगा किससे रेट ऑफ बैकवर्ड से ठीक है सो so, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू है मतलब ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू आयनिक आयनिक टू सॉलिड उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज अब मान लो कैथोडिक एम एन प्लस से सॉलिड आते हैं इधर से इधर तो ये वाला कौन सा रहता है कैथोडिक रहता है ना इसके लिए सपोज फ्री एनर्जी है डेल्टा जी स्टार सी तो ये किसके बराबर हो जाएगा जो ओरिजिनली था डेल्टा जी स्टार मतलब ये प्लस जो एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है कन्वर्ट करने के लिए तो एक्स्ट्रा वर्क कितना हो रहा है ये होगा E इंटू डेल्टा फाइव के बराबर विच इज अ वर्क डन ठीक नाउ सिंस F इज इक्वल टू ई पहले प्रूफ किया है तो ये हो जाएगा डेल्टा G स्टार इक्वल टू डेल्टा G स्टार प्लस ये E की जगह क्या लिख सकते हैं F तो ये हो जाएगा F इंटू डेल्टा फाइव सपोज किसी पॉइंट ऑफ ग्राफ में हमें पता करना है कि कितना एमएन प्लस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है तो इसके लिए एक ट्रांसफर कोफिशियंट यूज करते हैं ल्फा ट्रांसफर कोल्फा जिसकी वैल्यू जो है वो वन और जीरो के बीच होती है वो हम किसके साथ यूज करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा डेल्टा जी स्टार सी बराबर आएगा डेल्टा जी स्टार प्लस एल्फा इंटू डेल्टा एफ फाइव मतलब ये जो डेल्टा जी स्टार सी है ये किसके लिए आया नॉन इक्लेबरियम कंडीशन के लिए आया ठीक इसी तरह से हम एनोडिक के लिए भी निकाल सकते हैं मतलब जब सॉलिड से एम एन प्लस कन्वर्ट हो रहे तो लेकिन ये ध्यान रखो कि यहां से यहां जब जा रहा है तब इसमें डिक्रीज हो रहा है पहले इतना था फिर इतना हो गया डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहां पे क्या आएगा जो ओरिजिनली मतलब इक्विलिब्रियम तो कंडीशन वाला माइनस इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है तो अगर यहां एल्फा है तो यहां क्या हो जाएगा वन माइनस एल्फा वर्क डन वही रहेगा एफ चेंज इन पोटेंशियल तो ये किसके लिए हो गया एनओडी के लिए ठीक है अब ये जो डेल्टा जी सी वाली वैल्यू है और ये ए वाली वैल्यू है उसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे जहां पे हमारा लास्ट वाला करेंट का इक्वेशन आया था मतलब इस डेल्टा जी स्टार ए की जगह और इस डेल्टा जी सी स्टार की जगह कौन सी वैल्यू जो हमने नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए भी निकाली ठीक अब उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आएगा मान लो ये है आई ये हो जाएगा एफ सी आर बी ए, ए की पावर माइनस ब्रैकेट लगा दो डेल्टा जी स्टार माइनस वन माइनस एल्फा एफ इंटू डेल्टा फाइव अपॉन हो क्या हो जाएगा आर टी माइनस एफ इंटू सी नॉट बी सी ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार प्लस एल्फा एफ इंटू डेल्टा फाइव अपॉन आर टी क्या किया सिर्फ ये डेल्टा जी स्टार की वैल्यू पुट करी कौन सी है ये वाली देखो इसने पुट किया अपॉन आर टी तो उसमें है और ये जो डेल्टा जी ए स्टार की वैल्यू है ये पूरी ये इसमें हमने सब्सटीट्यूट की अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एफ सी आर बी ए की पावर ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा जी स्टार माइनस माइनस प्लस वन माइनस एल्फा एफ इंटू डेल्टा फाइव ठीक है अपॉन क्या हो जाएगा आर टी माइनस एफ सी नॉट बी सी ई की पावर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस डेल्टा जी स्टार प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा एल्फा एफ इंटू डेल्टा फाइव अपॉन आर टी हो गया अब इस ई e की पावर को अलग अलग कर सकते हैं अगर ये बेसिक मैथ्स है कि मान लो अगर कोई दो टर्म्स जिसके बेस इसको बोला जाता है बेस और अगर इसके पावर में है टू इसके पावर में है एक्स अगर बेस सेम है ये दोनों कहलाते हैं बेस और ये है पावर अगर बेस सेम है और दोनों चीजें दो, ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है तो इसके पावर क्या हो जाते हैं एड मतलब इसको हम लिख सकते हैं टू की पावर टू प्लस एक्स मतलब बेस सेम है और पावर अलग है और मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इट कैन बी रिटर्न एज बेस विच इज टू टू दी पावर जो पावर्स में है उसको एड कर देते हैं सेम यहाँ पे भी है जैसे यहाँ पे एड में है उसको हमें मल्टीप्लाई फॉर्म मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है यहां से यहां जाना है तो कैसे होगा i इज इक्वल टू एफ सी आर बी इंटू ए अलग अलग कर लेते हैं माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी ई के पावर चूंकि प्लस है तो प्लस ही रहेगा वन माइनस एल्फा एफ इंटू डेल्टा फाइव अपॉन आर टी माइनस फिर सेम इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं बड़ा फटाफट और चूंकि यहां माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे ठीक है डेल्टा फाइव अपॉन आर टी यहां तक हो गया अब यहाँ एक नया टर्म आता है ओवर पोटेंशियल विच इज डिनोटेड बाय ईटा ओवर पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे हम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन का माइनस पोटेंशियल डिफरेंस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने नॉन इक्विलिब्रियम माइनस इक्विलिब्रियम के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं ओवर पोटेंशियल यहाँ जो ओवर पोटेंशियल मतलब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है फाइव और ये फाइव ये किस कंडीशन का है नॉन इक्विलिब्रियम का क्योंकि हम वही लेके प्रव कर रहे थे अभी इस ग्राफ का ही तो इसीलिए अगर यहां से मैं नॉन इक्विलिब्रियम का नॉन इक्विलिब्रियम का पोटेंशियल डिफरेंस निकालू तो ये क्या हो जाए इसको यही रखो इधर लेके आओ तो ये ईटा प्लस पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इस नॉन इक्विलिब्रियम की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में सो क्या आएगा मतलब ये जो फाइ है फाइ की जगह हमें सब्सिट्यूट करना है ईटा प्लस डेल्टा वाला तो करंट विल बी इक्वल टू तो एफ इन सी आर बी ए, ए की पावर क्या माइनस डेल्टा जी स्टार बाय आर टी तो वही रहेगा ई की पावर वन माइनस एल्फा एफ डेल्टा फाइव की जगह ये रखो ब्रैकेट ईटा प्लस डेल्टा फाइव ई अपॉन क्या हो जाएगा आर टी फिर ही माइनस सी नॉट बी सी ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी ई की पावर माइनस एल्फा एफ इसी जगह फिर यही ईटा प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा फाइव ई अपॉन आर टी कुछ नहीं किया सिर्फ फाइव की जगह सेम वही अब इसको फिर से ब्रैकेट को हम क्या करेंगे अलग अलग कर लेते हैं तो ये एफ सी आर बी ए की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी ई की पावर क्या हो जाएगा वन माइनस एल्फा एफ ईटा अपॉन आर टी इसको ब्रैकेट को ओपन किया और अलग कर दिया ठीक है फिर ई e की पावर ये जो पूरा है ये ईटा के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी e की पावर वन माइनस अल्फा एफ डेल्टा फाइव ई अपॉन आर टी समझ है ब्रैकेट ओपन भी हुआ दोनों को ई e के पावर में फिर डिफ्रेंशिएट भी कर दिया अलग कर दिया माइनस एफ नॉट सी नॉट एफ सी नॉट बी सी ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी ई की पावर इसको भी वैसी कर दो माइनस एल्फा ईटा एफ अपॉन आर टी और ई e की पार ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और चूंकि माइनस है इसलिए माइनस आएगा एफ ईटा फाइव ई अपॉन क्या हो जाएगा RT. अब यहां देखो ये ये जो है ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा जी स्टार है वो कौन सा है जो फ्री एनर्जी लगता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये वाला उसके बराबर है और ये जो टर्म है ये भी कौन सा है जहां पे पोटेंशियल कौन सा यूज हुआ इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला इस वाले सेकंड टर्म ये पूरा एनोडिक का है ना इस कैथोडिक वाले में देखो ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन का और ये वाला जो टर्म है यहां से जो पोटेंशियल जहां पे जो पोटेंशियल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज हुआ है ये इक्विलिब्रियम वाले को मैं एक साथ लिखूंगी इसको सामने लाऊंगी तो क्या होगा सी इक्विलिब्रियम वाले को साथ साथ लिखना है बस तो क्या आ जाएगा आपका ओवरऑल करेंट विल बी इक्वल्स टू वर्ड ये इसको पहले लिखूंगी फिर इधर और ये बाद में ठीक है तो ये हो जाएगा आपका एफ सी आर बी इंटू पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी और ई e की पावर वन माइनस अल्फा एफ इंटू डेल्टा फाइव ई अपॉन आर टी ई e की पावर वन माइनस अल्फा एफ इंटू ईटा अपॉन आर टी आया बस क्या किया रिवर्स कर दिया देखो इसको इधर लेगा इसको इधर लिखा कोई फर्क नहीं क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो वन इंटू टू कैन बी रिटर्न टू इंटू वन बस वही हुआ ठीक है सेम कैथोडिक के लिए f C0, b, c नॉट b बी की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी ई e की पावर माइनस एल्फा f डेल्टा e अपॉन आर टी ई की पावर माइनस एल्फा ईटा f अपॉन आर टी आया नाउ ये जो पूरा इक्विलिब्रियम वाला है यहां से यहां तक और ये कैथोडिक के लिए पूरा इक्विलिब्रियम वाला यहां से यहां तक और इक्विलिब्रियम में जो चीजें हैं वो कांस्टेंट रहेगी इसीलिए ये चूंकि एनोडिक के लिए तो आई का एनोडिक इक्विलिब्रियम वैल्यू मतलब इस पूरे को मैंने कांस्टेंट ले लिया आई ए क्यू और बाकी को एज इट इज ई की पावर माइनस वाइनस की पावर वन माइनस अल्फा ईटा इंटू एफ अपॉन क्या हो जाएगा आर टी माइनस ये कैथोडिक के लिए इसलिए आई सीई क्यू E की पावर माइनस एल्फा ईटा एफ अपॉन क्या हो जाएगा आर टी आया न चूकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो आई ए क्यू है ये एनोडिक के लिए जो वैल्यू होगी वही बराबर होगी किसके लिए कैथोडिक के लिए सो इसको मैंने एक नया कांस्टेंट ले लिया इन आई नॉट सो ये हो जाएगा ये भी आई नॉट ये भी आई नॉट तो आई नॉट को बाहर निकाल सकती हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर ई e की पावर वन माइनस एल्फा ईटा एफ अपॉन आर टी माइनस ई e की पावर माइनस एल्फा ईटा एफ अपॉन आर टी विच इज ओवरऑल करेंट और यही है आपका बटलर वॉलमर इक्वेशन ठीक है कुछ नहीं है ये दोनों बराबर था तो इसलिए आई नॉट लिया उस नॉट को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा ये एंड दिस इज द रिक्वायर्ड बटलर वॉलमर इक्वेशन